नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अशोक वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरें। औरैया में कार साफ न करने पर दरोगा ने होमगार्ड से अभद्रता की है और रपट भी लिखवा दी है। अब इसके बाद होमगार्ड ने पत्र लिखकर सांसद से मदद की गुहार लगाई है। मामला औरैया के छल्दा थाना का है, जहां छल्दा थाने में तैनात होमगार्ड हरिबाबू क्षेत्र के नगरिया चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान अछल्दा थाने में तैनात दरोगा पंकज अपनी प्राइवेट कार से वहां पहुंच जाते हैं और होमगार्ड को गाड़ी से धूल झाड़ने को कहते हैं। जब होमगार्ड हरिबाबू ने गाड़ी साफ करने से मना कर दी तो दरोगा पंकज होमगार्ड पर भड़क गए और गालियां देकर होमगार्ड के खिलाफ थाने में रपट भी लिखवा दी। इतना ही नहीं, होमगार्ड को नौकरी से बर्खास्त करवाने की धमकी भी देने लगे। तो वही पीड़ित होमगार्ड ने पत्र लिखकर न्याय के लिए सांसद से मदद की गुहार लगाई है। अब जब मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा तो पुलिस अधिकारी मीडिया के सामने आए और बताया कि होमगार्ड ड्यूटी न करने को लेकर दरोगा पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। आइए सुनवाते हैं पहले हरिबाबू जो पीड़ित होमगार्ड है और उसके बाद मुकेश प्रताप सिंह जो सीओ विधुना है। धूल मारी है, धूल हमने मना कर दिया। क्या कहा था? गाड़ी धूल मार दो, हमने मना कर दिया। मना करने साहब ने रफड़ लिखा दी, बदतमीजी करते हमारे साथ। गाड़ी साफ करने के लिए कह रहे थे? हाँ। कि गाड़ी साफ कर दो। हाँ। कौन सी गाड़ी थी? फोर व्हीलर थी। उनकी प्राइवेट थी? हाँ। आपने शिकायत की है? हमने हमने विधायक जी मंत्री जी को बताया, मंत्री जी ने साहब को बताया। ड्यूटी पर लगाए गए थे, नो एंट्री पर। चेकिंग दौरान पाया गया जो कि हल्का इंचार्ज दरोगा पंकज जी हैं, इनके द्वारा पाया गया कि इनके द्वारा ड्यूटी का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। इनको निर्देशित किया गया कि सही से ड्यूटी का पालन कराइए और नो एंट्री पे जो निर्देश दिए गए हैं उनको तत्परता से लागू कराइए। जिसके संबंध में इनके द्वारा सही तरीके से इसका पालन नहीं कराया गया, जिसके संबंध में तस्करा भी अंकित कराया गया है उसी दिन को 12:05 पे रपट नंबर 27 पे, और इस संबंध में जिला कमांडेंट होमगार्ड को भी पत्र भेजा जा रहा है कि आपका जो ये होमगार्ड हरीश सिंह है इनके द्वारा जो सम्यक आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इसी के एवज में कि बहाना बना करके काम ना करना पड़े, ये अनर्गल आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं।